सभी भाइयों का नमस्कार, राम राम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। तो आज हम एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाएंगे और वीडियो का मकसद है हर एक किसान भाई को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो फ़िलहाल ट्रैक्टर आ रहे हैं, खासकर जैसे महिंद्रा 575, तो ये चीज़ ना 2014-15 मॉडल तक आई, उसके बाद ये कंपनी ने देना बंद कर दिया। अब आ रही है 585 में, जैसे एक्सपी प्लस और वैसे वाला भी। तो इसका यूज़ क्या है और ये है क्या, और इसका यूज़ कब करना चाहिए और इसका यूज़ कब नहीं करना चाहिए, ठीक, वो इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। और मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इसका यूज़ कब हो। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है मैं बताऊंगा, जहाँ सीधा रास्ता हो और हमें दोनों टायर चलाने हो, ठीक। हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ कीचड़ है या फिर टोचन मुकाबला हो रहा, आपका एक टायर स्लिप हो रहा, दूसरे वाला चल रहा, तो ट्रैक्टर वहीं का वहीं स्लिप करो जाएगा। तो आप डिफरेंशियल लॉक पर पैर मार दो, दोनों टायर एकदम से घूम जाएंगे, लॉक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, और अगर आप हैवी होलेज पर चला रहे हो, मतलब ट्राले पर चला रहे हो, तो इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रेकों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ट्रैक्टर आगे से खड़ा हो जाए। तो मैं सबसे पहले तो ये निकाल दूँ, ठीक, इसके बाद मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करूँगा और मैं डालूँगा इसे भाई तीसरे किलो, ठीक, तीसरे किलो हल्के से आरपीएम। मैंने कलच छोड़ दिया, आई है तीसरे किलो। अब देखो, देखना दब गया, अब मैं ब्रेक मारूंगा ये वाला, देखो टायर घूम रहा है, ट्रैक्टर ना बंद होने पर जा रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा। अब देखो मैं ब्रेक मारूंगा, हैंडल भी इधर को काट कर दबाऊंगा ना, देखो ध्यान, हैंडल इधर को कटा अपोजिट साइड को, देखो टायर जाम हो गया, ट्रैक्टर आगे से इधर को भाग रहा है, क्यों ब्रेक है। और अगर मैं यहीं कहीं डिफरेंशियल लॉक दाब दूँ, देखो ध्यान देना, डिफरेंशियल लॉक दाब दिया मैंने, ठीक, अब हैंडल मैं इधर को घुमाऊंगा, ठीक, देखो अब ब्रेक मारूंगा, वो सीधा ही जा रहा भाई, वो सीधा जा रहा, बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे ब्रेक, काम नहीं कर रहे, टायर रुक नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे हाथों से ब्रेक, देखो हाथों से ब्रेक लगाने के, हाथों से ब्रेक लगा, देखो दिखा की खास बात है, हाथों से ब्रेक लग रहा बड़े प्यार से, देखो। तो यही था इसका यूज, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि डिफरेंशियल लॉक का काम क्या है, दोनों टायरों को घुमाना, ये डिफरेंशियल लॉक का काम है। मैंने बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दिया, अगर हम इसे दाब के ब्रेक यूज़ करते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं है ब्रेक मार का, क्योंकि दोनों टायर बिल्कुल लॉक हो जाएंगे और दोनों टायर एक साथ जोर लगाएंगे। कुबोटा पर भी एक वीडियो बनाएगी, 140 उस पर भी बनाएंगे, एवरेज भी निकाल लेंगे इनका और परफॉर्मेंस भी दिखाओगे रोटावेटर पर। तो डिफरेंशियल लॉक के बारे में पूरी जानकारी शायद मैंने दे दी होगी, तो ये ज़रूरी भी हो और कहीं कहीं पर नहीं भी होता ज़रूरी, मैंने बिल्कुल दिखा दिया आपको, एक बार और करके दिखाता हूँ, चलो बड़े अच्छे तरीके से। इस बार मैं तीसरे किलो में ही दिखाऊँगा, हाई में इसलिए दिखाने का, तेज़ चलेगा ट्रैक्टर, जगह तो यूँ तो बहुत है लेकिन आराम आराम से जल्दी समझ में आओगा। तो सबसे पहले ट्रैक्टर स्टार्ट, अब तीसरे की लोड डाल दी मैंने, अब मैंने दोनों पैर इधर कर लिए, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, वीडियो बहुत अच्छी बनेगी और बड़े तरीके से समझाऊंगा। अब मैं ट्रैक्टर के हैंडल ना, देखो मैंने ट्रैक्टर ना इधर की साइड घुमा दे राइट साइड में, और इधर का ही ब्रेक लगाना मुझे, और ब्रेक लगाना मुझे सिर्फ ये दाब का डिफरेंशियल लॉक, तो मैंने डिफरेंशियल लॉक दाब दिया। अब देखो ट्रैक्टर सीधा चलने लगा, देखो सीधा जा रहा बिल्कुल, मतलब कोशिश कर रहा घूमने की लेकिन वो घूम ही नहीं रहा। अब मैं अगर ब्रेक भी दबूंगा ना, देखे आरपीएम, अब देखो आरपीएम भी नहीं तोड़ने का, हल्के जा रहे, सीधा ही जा रहा भाई, कोशिश कर रहा सीधा जाने का, टायर घूम रहा,
देख तो एक चीज़ और बताता हूँ। अब मैं इधर को घुमा रहा ना, अब मैं इधर को घुमाऊंगा, एक तो ध्यान से देखना, अब मैं ब्रेक दबाऊंगा। कर देखता हूँ बंद। अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने ब्रेक अपोजिट, देखो मैं बताऊंगा क्या कर रहा हूँ। मैंने उल्टा ब्रेक दबा, पहिए अगले वाले मतलब स्टेयरिंग दूसरी साइड को काट दे, लेकिन ट्रैक्टर घूम ही रहा अपोजिट में। तो ये डिफरेंसल लॉक का काम भी पता लग गया होगा यहीं का यहीं, और आपको ये भी पता लग गया होगा अगर डिफरेंसल लॉक लगा दे तो ब्रेक काम नहीं करते। बस यही चीज़ समझानी थी इसमें। और मैंने बढ़िया करके इसलिए अपोजिट साइड में स्टेयरिंग इसलिए काटा कि अगर हम स्टेयरिंग पर काट देंगे और ब्रेक ये वाला यूज करेंगे फिर भी ट्रैक्टर इधर को ही खींचेगा, समझ गए होंगे। और अगर हम डिफरेंशियल लॉक ऐसे यूज करके तभी ये ब्रेक मारेंगे, अगर हैंडल इधर भी है ना तब भी वो सीधा ही चलेगा। तो ये था मेन कारण समझाने का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दिए भाई।